रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन वह मिशन है जिसके अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया है कि हर 5 किलोमीटर के अंदर में एक हाई स्कूल होना अनिवार्य है। पिछले 5 सालों से प्रयत्न करने के बावजूद तमनार ब्लॉक के ग्राम पंचायत जिवरी में आज तक स्कूल नहीं खुल पाया है। कई आदिवासी लड़के लड़कियां प्रत्येक साल 8वीं पास करती हैं और दूरी की वजह से सरेपले पढ़ने के लिए नहीं आ पाती, और अगर जिवरी पंचायत में हाई स्कूल खुल जाता है तो इन बच्चों को शिक्षा नसीब हो सकती है। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी स्कूल जा रहे हैं हम लोग। कौन से गांव के हो? ठरकपुर। ठरकपुर से सरेपले कितना दूर पड़ता है? 8 किलोमीटर है। तो क्या क्या समस्याएं होती है रास्ते में? बहुत समस्याएं होती हैं। अभी तो रोड लगभग बना है, लेकिन पहले तो बहुत टूटा फूटा था। तो बहुत साल से जा रहे हैं हम लोग। अभी बहुत धूप ही है और ठंड महीना में तो अब स्कूल भी जल्दी लगता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दूर हो जाता है। आते टाइम भी लगभग अंधेरा ही हो जाता है, तो रात को या फिर शाम को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। मूल रूप से आपको समय की कमी हो रही है? हाँ, बहुत। जिवरी में स्कूल खुल जाए तो किस प्रकार की आपको सुविधा होगी? अभी तो हम लोग 11वीं क्लास में हैं मैं हूँ, लेकिन जो हम लोग के जूनियर हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन लोगों का टाइम का बचत होगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। कौन से गांव के हो? जिवरी। कितना दूर पड़ता है जिवरी यहाँ से? 6 किलोमीटर। तो डेली आप डाउन करते हो? हाँ। कितनी पढ़ रही? 9वीं। आना जाना दूर नहीं पड़ता है? पड़ता है। कितना पढ़ी हो? 8वीं। आगे की पढ़ाई कैसे नहीं की? सरेपले दूर है, इसीलिए पढ़ने के लिए नहीं। कैसा रास्ता है सरेपले? पहाड़ी रास्ता है, इसीलिए। अगर जिवरी में स्कूल होता क्या आप पढ़ते? हाँ जी, हम पढ़ते। दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी मनेंद्र श्रीवास्तव को 7879789007 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि इस सत्र में जिवरी पंचायत में हाई स्कूल खुल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।